नवाबगंज थाना व एसओजी गंगानगर की टीम ने वाहन चोरी गैंग का खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके निशानदेही पर चोरी की 4 पहिया 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, बैटरी बरामद करने में कामयाबी मिली है। घटना का खुलासा पुलिस उपायुक्त गंगानगर अभिषेक भारती ने बताया कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव पुत्र जोखूलाल यादव थाना नवाबगंज, अंकित गौतम पुत्र फूलचंद ग्राम कटरा थाना नवाबगंज, बच्चा पासी उर्फ अभी पासी पुत्र कामता प्रसाद ग्राम थाना नवाबगंज, शनि कुमार सरोज पुत्र कमलेश कुमार सरोज ग्राम टिकुरी थाना हथिगवा प्रतापगढ़, उमेश चंद्र गुप्ता उर्फ बिल्लू पुत्र शंकर लाल कुरारी थाना नवाबगंज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त गंगानगर अभिषेक भारती ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव मुख्य अभियुक्त है, जो पहले भी मारपीट और चोरी के मामले में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद बच्चा यादव ने वाहन चोरी का एक गैंग बनाया। नवाबगंज, सोराम, हंडिया आदि क्षेत्रों में लगातार वाहन चोरी की घटना हो रही थी, जिस पर पुलिस सक्रिय हुई और मुकील की सूचना पर कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव को गिरफ्तार किया तो उसने सारे राज खोल दिए। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर 3 बोलेरो, 2 स्कॉर्पियो, 1 अप्पे, 1 मोटरसाइकिल, 5 बैटरी सहित अन्य सामान बरामद किया। पुलिस उपायुक्त गंगानगर ने आगे बताया कि स्कॉर्पियो गाड़ी में इन लोगों ने इंजन नंबर बदल दिया था, जिसकी पुष्टि कंपनी द्वारा की गई है। आज दिनांक 26 जुलाई 2024 को थाना नवाबगंज की टीम व सर्विलांस की टीम द्वारा एक वाहन चोर गैंग पकड़ा गया है। इस गैंग में 5 सदस्य हैं, कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव, अंकित गौतम, बच्चा पासी, शनि कुमार सरोज, उमेश चंद गुप्ता। इस समस्त अभियुक्त जो है नवाबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। शनि कुमार सरोज जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इनके पास से 3 बोलेरो, 2 स्कॉर्पियो, 1 अप्पे, 5 ट्रक की बैटरीज और 2 ट्रक की स्टेपनी और 1 मोटरसाइकिल व अन्य सामान जो है बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख है। इन अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी और संलिप्त होंगे उन सभी के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव है, इसके विरुद्ध में 10 मुकदमे हैं, अंकित गौतम के विरुद्ध में 6 मुकदमे हैं, वे अन्य जितने अभियुक्त हैं उन सबके विरुद्ध में 3-3 मुकदमे हैं। इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।